हाय दोस्तों, मेरा नाम है कुशल और मैं शिल्पी। आज हम रिएक्ट करेंगे अगेन एक ऑसमो स्पीक की वीडियो पे, जिसका टाइटल है इनर स्क्रीम के वादे। 7 दिन में हो जाओगी गोरी। इट्स अ थंबनेल से कोलैब लगता है ऑसमो स्पीक का और सनाज बकेट का। तो इससे पहले जो मैंने एक वीडियो में डिस्कस किया था कि सना बकेट और ऑसमो स्पीक ने इंटरव्यू लिया था, तो अब सना बकेट ने इंटरव्यू लिया था ऑसमो स्पीक का। हाँ वही अरे उन्हें से याद आया, अगर आपको गोरा होना है तो मैं उसकी टिप दे सकता हूँ। सोच रहा था कि मैं भी एक चैनल दूसरा क्रिएट करूँ जिसमें मैं मेंस ग्रूमिंग के बारे में वीडियोस बनाऊँ। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं क्रिएट करूँ, आप देखना चाहते हो तो नीचे कमेंट करके लेट मी नो। चलिए स्टार्ट करते हैं। हेलो फ्रेंड्स एंड फैंस, दिस इज ऑसमो स्पीकिंग। आज बात होगी उस केमिकल लोचे की जो मगज में गोरी रंगत की वजह से पैदा होता है, यानी कि गोरा कॉम्प्लेक्स। सीधी बात है कि लोगों ने गोरी रंगत को इतनी तरजीह दी है कि उसको दर्जा अव्वल पे रख दिया है। एक तो हर भूतनी का बचपन में डिकैप्रियो की औलाद हुआ करता था, जिसको बोलो कि आज तो तू काला लग रहा है तो वो बोलता है जाने तूने भाई को बचपन में देखा ही नहीं है, ये देख बचपन में भाई गोरा पैदा हुआ था। गोरे गोरे बच्चे बेटा। नहीं तो बड़े होने के बाद तुमने डीजल पीना शुरू कर दी। आखिर क्यों लोगों को सांवला रंग ऑफेंसिव लगता है? वजह है फेयरनेस क्रीम के ब्रांड्स, जिन्होंने सबकी सोच के साथ हम बिस्तरी कर दी है। अगर तुम गोरे हो तो तुम खूबसूरत हो, अगर तुम गोरे हो तो तुम कामयाब हो। अगर आप जॉब इंटरव्यू में फेल हो रहे हो तो हमारी क्रीम बूथी पे दिन में 33 दफा मले और आपकी जॉब पक्की। मजाक चल रहा है इधर मादर चित्तर। नहीं, गोरी रंगत के साथ अगर कामयाबी मिलती तो नासिर खान जान पाकिस्तान का एजुकेशन मिनिस्टर ना होता। शक्ल से अगर स्टेटस और कामयाबी को जज किया जाता तो ओबामा की तो पंक्चर की दुकान ना होती। आर्टिस्ट तो मैं अच्छी हूँ, अगर आप रंगत का क्या करूँ? अगर आप फेल म्यूजिशियन है तो हमारी क्रीम अपने बूथे पे लगाइए और आप ऑडिशन में पास हो जाएंगे। बहन की लाठी, म्यूजिक और हुसन का तो दूर दूर तक कोई ताल्लुक ही नहीं। बेशक आपकी नाक पर पत्थर जैसा फोड़ा निकलाओ, लेकिन अगर आप सुर संभाल सकते हो तो आप सुपर हिट हो। ये सारी एक्ट्रेसेस और मॉडल्स ने ब्यूटी के स्टैंडर्ड्स बना लिए हैं, जिसमें गोरा रंगत मतलब है खूबसूरती। अक्सर इन एड्स में एक हुसन के मयार की पट्टी दिखती है, वो पट्टी जो आपके तकदीर का फैसला करेगी। अगर आपको लगता है कि आप फाइनेंशियली इमोशनली स्टेबल हो तो आप शादी के लिए रेडी हो, तो क्या बात कर रहे हो, गलत बात कर रहे हो, ऐसा नहीं है। फेयरनेस ब्रांड्स की लॉजिक ये है कि जब तक आप इतने चिट्टे नहीं होते कि लोगों को आंखों में लगने लगे, तब तक आप शादी के लिए रेडी नहीं हो। तुम शादी के लिए तैयार हो जाओ। डैड आप सही कह रहे हैं, शादी कर लूंगी। ये दर्द की दुहाई उस वॉनेबी दुल्हन से पूछो जिसकी शादी रंगत की वजह से रुकी हुई है। इस मामले में एक लड़की की राय ले लेते हैं। जी सना, क्या कहना चाहेंगी इस बखरतपने के बारे में? मेरे से ना बात ही मत करो इस टॉपिक पर, मेरा मीटर किलोमीटर आउट हो जाता है। इतना कोई हम लोग रेसिस्ट हो गए ना, कसम से हमारे दिमागों में इतना भूसा भर दिया गया है कि हमारी लड़कियां भर भर के फिटनेस क्रीम में मुंह पे थोपती हैं कि बस किसी तरह शक्ल गोरी हो जाए। तो बहना मेरी बात सुनो, शक्ल गोरी मत करो, कोई फायदा नहीं है। और ये शादियों के लिए जो फफे कुटनी आंटी अपने श्रेक जैसे बेटे के लिए हूं ढूंढने निकलती हैं, फिर डिमांड रखती हैं कि लड़की गोरी हो बस, और अगर लड़की गोरी ना हो तो साफ रिजेक्ट। तो आंटी मेरी ना बात सुनो, गोरी बहू चाहिए ना तो टॉम क्रूज की पुप्पी से शादी करा दो अपने श्रेक की। मतलब कि बस रंग गोरा होना चाहिए, करतूत बेशक काले हो। वाह भाई, ऐसे इनसिक्योरिटी में डाला हुआ ना हमारी लड़कियों को, रंग गोरा करो वरना शादी नहीं होगी। अबे भाई मैं कहती हूँ कि जो तुम्हें तुम्हारे कॉम्प्लेक्शन की वजह से रिजेक्ट करे ना, उसको कमर के नीचे वाले एरिया में ऐसे जूते भिगो के मारो कि दोबारा किसी लड़की को रिजेक्ट करते हुए ना उन जूतों की तपिश उन्हें महसूस हो। और ये सारी मॉर्निंग शो वाली आंटियां जो गोरे होने के लिए इंजेक्शन सप्लीमेंट्स टोट के बताती हैं, इतनी है कोई इनसिक्योरिटी से भरी हुई होती हैं कि अगर तुम उनको उबलते हुए पानी में कुछ 10 मिनट छोड़ो ना, तो अंदर से ऐसा प्लास्टिक पिघल के बाहर आएगा जो उन्होंने अपने गालों में अपने होठों में घुसाया होता है। जो खुद अपने आप से सेटिस्फाइड नहीं है तो बंदा उनकी बात क्यों सुने? और ये बात ना मेरे लिखवा लो कि जिस स्किन के साथ तुम इस दुनिया में टपके थे ना, वही स्किन कलर लेके तुम मरोगे। चाहे क्रीमें लगाओ या ब्लीच मलो या टमाटर खीरे रगड़ो, कुछ नहीं होने वाला। एंड यू शुड फील गुड अबाउट दैट। खुदा दा वास्ता तुहानू। आहो एग्जैक्टली, ज्ञान देने का टाइम आ गया। इस कॉम्प्लेक्स का जन्म हुआ तब जब गोरो ने किया हम पर कब्जा। गोरे बड़े पावरफुल थे और सो कॉल्ड सुपीरियर थे, और नॉट सो वेरी गोरे जो थे वो गुलामी में रह रहे थे। ये बड़े बड़े ब्रांड्स उसी पुरानी सोच को आज तक कैश कर रहे हैं। भैया लोंडे भी चिकनी जिल्द के चक्कर में कुक्कू बनते जा रहे हैं। गोरे जिस्म जला के टैन करवा के बादामी बनना चाहते हैं, और हम इंडियन पाकिस्तानी तो पहले से ही बादामी है। तो फिर
खा बदामी। मेलानिन एक केमिकल है जो जिसकी स्किन में ज्यादा होता है तो वो सांवला होता है, जो जिसकी स्किन में कम होता है वो गोरा होता है। कोई ट्रीटमेंट परमानेंट मेलानिन को रिड्यूस नहीं कर सकती। यस साइंस। इन ब्रांड्स को मैं एक ही चीज कहना चाहता हूँ कि भाई खुदा का खौफ करो। दीपक भाई कुछ कुछ कहे ना इनको। अरे शर्म करो डगरदल्ली मादे बच्चियों, शर्म करो, भगवान से डरो बच्चड़ी वालों, भगवान से डरो। अरे ऊपर वाले को जवाब देना है। मुझे पता है ये वीडियो कम चलेगी और राखी सावंत के दो अनमोल रतन राम लखन जैसी वीडियो ज्यादा चलेंगी, क्योंकि उनमें ठरक पड़ने मतलब अच्छी बात कौन शेयर करता है। अपना फर्ज समझ के शेयर करो। यहाँ पे खुजली फैमिली के चैनल को सब्सक्राइब करो, यहाँ पे सनाज बकेट के चैनल को सब्सक्राइब करो। सब्सक्राइब 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 जो बात वीडियो की स्टार्टिंग में देख के मैं बोलने वाली थी रेसिज्म को लेके, आखिर उन्होंने खुद ही बोल दी समो भाई ने कि रेसिज्म ये जो एड्स होती है ना, आई टेल यू व्हाट, मैं मार्केटिंग पढ़ाती हूँ तो आई नो ये जो ब्रांड्स और बड़े बड़े ब्रांड्स और कंपनीज है ना, वो दुनिया को एज अ दुनिया नहीं देखते जहाँ पे लोग पीसफुली रह सके, वो उसको एज मार्केट देखते हैं कि ये हमारा मार्केट है और यहाँ हमारी वो चीज़ बिकेगी। और अपनी चीज़ बेचने के लिए वो लोगों के माइंडसेट तक को चेंज कर देते हैं, जिसमें ये फेयरनेस क्रीम्स, मैं नाम नहीं लूँगी सारी ये लो, ये फेयरनेस क्रीम्स का ऐसा चला है जिसने ऐसा प्रमोट कर दिया कि ब्यूटी को उन्होंने फेयरनेस के साथ कनेक्ट कर दिया कि गोरा दिखोगे तो ही आप सुंदर हैं, अगर आप सांवरे हैं या काले हैं तो आप सुंदर नहीं हैं, ऐसा उन्होंने माइंडसेट डेवलप कर दिया है। मुझे एक और चीज़ याद आई कि एक बॉलीवुड की एक एक्ट्रेस थी जिसने फेयरनेस क्रीम्स की एड्स को मना कर दिया, बहुत खूबसूरत सी एक्ट्रेस थी पर उसने मना कर दिया इन एड्स को करने से, बिकॉज शी सेड दैट दिस प्रमोट्स रेसिज्म, देयर इज नो सच, देयर शुड बी नो सच थिंग लाइक गोरा, और गोरे से ही ब्यूटी नहीं हो। तो भी एड चेंज कर दी ना कि वो एक दूसरी कोई एड है जिसमें हाँ साफ गोरा तो कोई नहीं कर सकता, नहीं पर कर सकता। वो सावलों को थोड़ा क्या एक टच देता है ऐसी क्रीम, ऐड भी ऐसी भी ऐड बना दी फिर। और वो जो क्लेम करते हैं कि इन 7 days और इन दिस मच डेज इतने शेड आगे बढ़ जाएंगे विद दैट स्केल, तो वो तो नहीं होता। मेरे पास वैसे एक नुस्खा भी है, इफ यू वांट शुड आई शेयर, मैं चैनल बनाऊंगा, मैं शेयर करूंगा फेयरनेस का उस्ताद मैं। और मैं नेचुरली मैं किसी क्रीम वगैरह की बात नहीं कर रही अपने नुस्खे में, मैं क्रीम कोई क्रीम या किसी चीज़ को प्रमोट नहीं कर रही, लेकिन हाँ पैदाइशी अगर गोरा होना चाहते हैं तो वो हो सकता है। वेल मैं जब छोटा था तो इतना गोरा नहीं था जितना अब हूँ, और मैंने कोई प्रोडक्ट यूज़ नहीं किया है, मैं नेचुरल प्रोडक्ट्स नेचुरल चीज़ों से ही अपना ट्रीटमेंट और केयर करता हूँ। और बहुत सारी चीज़ें होती है जो फेयरनेस के लिए, ऐसा इस वीडियो का तो कुछ अलग ही फंडा था कि भाई हाँ जो जैसा है ठीक है वो था, मेरा कुछ अलग फंडा है, तो ये दोनों का फंडा अलग है तो इसको मिलाएंगे नहीं हम। और ये दोनों का एक कोलैबोरेशन जो वीडियो देखा था मैंने, मतलब हमने जैसे देखा ये एक ऑसमोस भाई का और सना का, तो दोनों की मैंने एक चीज़ नोट की, जो समो भाई की जो स्पीच है और जो सना की स्पीच है, सना की थोड़ी सी फास्ट चलती है और वो थोड़ी ऐसी ज्ञान वाली लगती है, और ऑसमोस की जो है थोड़ी एंटरटेनिंग लगती है। तो सना अगर एंटरटेन करना चाहे तो वो थोड़ा, आई थिंक सना फिट दैट, वो जो एज अ कमेंटेटर वो जो इम्पैक्टफुल बोलती हैं, मुझे वो उसी रोल में अच्छी लगती हैं। उनकी यही क्वालिटी है। और ऑसमोस भाई की जो है मतलब हाँ ये वीडियो थोड़ी, जो पिछली वीडियो से उन्होंने खुद बोला कि वो ज्यादा चलेगी, ये थोड़ी ज्ञान वाली है, ज्ञान वाली थी। और ज्ञान भी इतना ही था कि भाई ये क्रीमों से बचाने की कुछ बातें बता रहे थे कि क्रीमों के झांसे में, ब्रांड्स या ऐसी क्रीमों के झांसे में ना आए जो ये क्लेम करें कि आप गोरे हो जाएंगे। नहीं भाई, बी हैप्पी विद व्हाट एवर कलर ऑफ स्किन यू आर बॉर्न, काले तो काले। अरे यार क्यों क्यों नेवर्थलेस क्यों क्यों हम उस पे टिके रहे हैं, हम अगर इम्प्रूव कर सकते हैं नेचुरली क्रीम के थ्रू, नहीं नेचुरली इज ओके, मैं वही कह रही हूँ, क्रीम करता हूँ मैं, ऐसे सोचता हूँ कि हम जित इम्प्रूव कर सकते हैं जिस जिस चीज़ों में हमें करना चाहिए और नेचुरली करना चाहिए, ऐसा नहीं कि उसका
क्रीमों से है, मैंने आज तक कोई भी क्रीम नहीं यूज़ की है। मैं भी जहाँ तक हो सके क्रीम अवॉइड करती हूँ। यहाँ भी बिल्कुल जो स्किन दिख रही है उस पर कोई स्किन पे कोई मेकअप नहीं है। इवन ये लड़कों के लिए तो नहीं था, ये लड़कियों के लिए होता है कि लड़कियाँ जो मेकअप ज़्यादा यूज़ करती है तो वो मेकअप लगाने के बाद तो हाँ सुंदर दिखती है थोड़े टाइम तक या जब तक उसका मेकअप लगा रहता है, पर उस मेकअप से उसकी स्किन इतनी डैमेज हो जाती है कि साल के बाद वो इतनी नॉर्मल से भी बेकार लगने लग जाती है। तो इसीलिए क्योंकि वो मेकअप के बेसिक्स नहीं जानते। मेकअप लगाने से पहले ना एक प्रीमियर लगाया जाता है जिससे वो मेकअप स्किन में पेनिट्रेट। वेल जो भी है जो भी है, तो इसीलिए मेकअप लगा के टेम्परेरी अच्छा दिखने से अच्छा ना दिख के जो आप हो वो दिखो और हमेशा उस तरीके से ही रहो। खैर और एक 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 बहुत बड़ी बात के अगर सुंदर ही दिखना है तो आई थिंक कलर ऑफ द स्किन डजंट मेक्स यू ब्यूटीफुल, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस आपको ब्यूटीफुल बनाता है। क्या बात है, लाइन ठगी है, क्या बात है। सेल्फ कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस है तो सब कुछ है। लुक, मैं कुछ क्वेश्चन पूछता हूँ कि ये दोनों का कोलैबोरेशन वीडियो के बारे में क्या बोलेगी, क्या दोनों का कोलैबोरेशन वीडियो कैसा था? मुझे अच्छा लगा। अरे अच्छा नहीं, अच्छा तो हाँ कभी-कभी अच्छा तो लगना ही है, पर क्या ऐसे क्या मतलब व्हाट यू फील क्या होता है? फील क्या हुआ कि सामो भाई का एक अपना सबका ना एक अपना स्वैग होता है, एक अपना स्पीड होता है चलने का। तो ऑसमो स्पीच का वीडियो देखते देखते अचानक से सना बकेट का आ गया। हाँ, तो पूरा चेंज पूरी उसमें चली गई, क्या उसके कॉन्सेप्ट में चली गई सनाज बकेट की। और जो सना का जो एक टोन है जिस तरीके से वो बोलते हैं उनकी स्पीड होती है हमेशा उनके वीडियो में होती है। पंजाबी है ये तो ना, पंजाबी साउंड है दोनों। असुमस भाई भी पंजाबी बोलते हैं। असुमस को पता नहीं पर ये लाइन पंजाबी है। और वीडियो कैसी थी? वीडियो बहु रामी थी राजा जी। वेल अगर मैं सच्ची बोलूं तो मेरे को राखी साउंड वाली सबसे बेस्ट लगी असुमस भाई की। ये भी ठीक थी पर अच्छी थी, एक मैसेज लेके थी और बहुत ही स्ट्रांग मैसेज वाली थी, एक्चुअली अवेयर कर रही थी। मुझे अच्छी लगी ये वीडियो, उस वाली से बेटर लगी मुझे, वो वाली बेटर लगी मुझे। ये वाली, ये वाली भी अच्छी थी पर उतनी अच्छी नहीं लगी जितनी वो थी। अब भी कमेंट करके बताइए यार आपका क्या ओपिनियन है इसके ऊपर, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो यार सब्सक्राइब कर दो। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और कमेंट भी करके बताएं कैसा लगा। बहु रामा रामा जी, रामा रामा जी रामी। अरे तो मेरा कुछ मेरा मैं भी क्रिएटर हूँ। बहु रामा रामा जी, बहु रामा रामा जी कॉपी नहीं करते हैं, थोड़ा क्रिएटिविटी डालते हैं। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, चेक बाय।